समर्स में स्किन के ऊपर क्या आपको भी इन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है? ओपन पोर्स, पिंपल्स, एक्नी, डिफरेंट किस्म की ब्लामिशेस और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, इन सब से बचने के लिए आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जो कि एक फ़ेस वॉश है। और इस फेस वॉश को आप घर में आसानी से रेडी कर सकते हैं और अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सन की वजह से स्किन के ऊपर बहुत से डैमेजेस आ रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाने की वजह से स्किन काफ़ी डिहाइड्रेट हो रही होती है, ओपन पोर्स हो रहे हैं, पिम्पल्स आ रहे होते हैं, एक्नी आ रही होती है और डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्यूटी विद नॉलेज, आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके साथ एक फेस वॉश शेयर करूंगी जो कि ना सिर्फ आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा बल्कि जितनी भी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको रिड्यूस कर देगा। तो जी, इस फेस वॉश को बनाने के लिए हम घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करेंगे और ये चार इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बहुत ही आसानी के साथ हमारे घर में अवेलेबल होते हैं और इनको हम अपनी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करेंगे। तो जी, ये फेस वॉश तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने इसके बीच में ऐड किया था गेहूँ का आटा, यानी कि गंदम का आटा, जो हमारे घर में आम यूज़ होता है रोटियाँ बनाने के लिए, 1 टेबल स्पून। उसके साथ 1 टेबल स्पून मैंने राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा ऐड किया था और 1 टेबल स्पून ही मैं इसके बीच में जौ का आटा ऐड कर दूंगी। इन तीनों आटों को हम मिक्स कर लेंगे और इन तीनों पाउडर्स को मिक्स करने के बाद हम इसके बीच में 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे बेसन यानी कि ग्रेम फ्लावर। और इसके इस्तेमाल से हमारी स्किन के ऊपर जितना भी स्वेटिंग हो रही होती है, जितने भी हमारे पोर्स काफ़ी ज़्यादा ओपन हो चुके होते हैं, वो सब के सब इससे रिड्यूस हो जाएंगे। ये सब वो प्रॉपर्टीज़ रखते हैं जिससे हमारी स्किन क्लियर रहती है, स्मूथ रहती है, सॉफ्ट रहती है और स्किन के ऊपर जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं आ रहे होते। बहुत सारी खवातीन और मर्द हज़रात को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम रहती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और इस स्वेटिंग को ख़त्म करने के लिए आप ये मिक्सचर रेडी कर लें और इस मिक्सचर को आप एक किसी एयर टाइट कंटेनर में ऐड करके रख लें। तो जी, 1 टेबल स्पून मैंने इसके बीच में बेसन ऐड कर दिया है और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ जो हम मिक्सिंग करने के लिए चीज़ यूज़ करेंगे वो भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही उसका अच्छा इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहले तो हम इन सारे फ्लावर्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो जी, ये मैंने इसमें 4 किस्म के आटे यूज़ किए हैं, यानी कि इनमें 4 पाउडर्स यूज़ किए हैं। सबसे पहले मैंने इसमें गंदम का पाउडर ऐड किया है, फिर मैंने इसमें चावल का पाउडर ऐड किया है, फिर मैंने इसके बीच में जौ का पाउडर ऐड किया है और फिर मैंने 1 टेबल स्पून इसमें बेसन ऐड किया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके आप किसी बॉटल में रख लें और उसके बाद 1 टेबल स्पून आपने इसमें से लेना है डेली बेसिस पे, और जब भी आपने फेस को वॉश करना है आपने इसी मिक्सचर से फेस को वॉश करना है। इसके इस्तेमाल से जो पोर्स हैं वो टाइट रहेंगे और स्किन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस रहेगी, जिसकी वजह से स्वेटिंग भी कम होगी और जब स्वेटिंग कम होगी उसकी वजह से पिंपल्स नहीं आएंगे, और पिंपल्स जब नहीं आएंगे तो फिर आपको एक्नी नहीं होगी, और एक्नी नहीं होगी तो फिर आपको उसके मार्क्स भी नहीं बनेंगे। वरना तो ऐसा होता है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है जिसकी वजह से स्किन के ऊपर बहुत सारी ब्लेमिशेज, बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं और फिर वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा नुकसान का बाइस बन जाते हैं। तो जी, ये 1 टेबल स्पून मैंने लिया है ये पाउडर जो मैंने मिक्स किया था अभी, और इसे मैं मिक्स करूँगी लेमन के साथ। लेमन विटामिन सी से फुल होता है, स्किन को ना सिर्फ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है बल्कि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको रिड्यूस करता है, पोर्स को टाइट करता है, स्किन को टोन अप करता है और स्किन के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम आ रहे होते हैं उसको रिड्यूस कर देता है। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है जी पाउडर का, मिक्स पाउडर का, और उसके साथ इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 लेमन। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपने इनमें 4 से 5 ड्रॉप लेमन के ऐड करने हैं और इसके बीच में आप मिल्क ऐड कर सकती हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने इसके बीच में 1/2 लेमन स्क्वीज़ कर लेना है और इसको सिर्फ आपने इसी पानी के साथ यूज़ करना है, यानी कि लेमन वाटर के साथ ही आपने अच्छे तरीके से इसका एक पेस्ट बना लेना है, स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेना है और आपने 15 मिनट्स तक इसको स्टे देना है ताकि ये अच्छे तरीके से जितने भी आपके पोर्स हैं उनको टाइट कर दे और जो आपको ओवर स्वेटिंग का प्रॉब्लम आता है वो रिड्यूस हो जाए। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आपने सिर्फ इसके 2 से 3 मिनट तक इस्तेमाल करना है, अच्छे तरीके से
फेस के ऊपर लगाना है, फिर आपने इसको मसाज करना है और फिर आपने इसको ठंडे पानी के साथ वॉश कर लेना है। ज़्यादा ठंडा पानी आपने यूज़ नहीं करना, टैप वाटर जो होता है वो आपने यूज़ करना है। लेकिन अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, यानी कि ड्राई भी है, ऑयली भी है और डिफरेंट किस्म की है, तो आपने इसके बीच में 2 से 3 ड्रॉप्स लेमन के ऐड करने हैं, सिंपल पानी आपने इसमें ऐड करना है और इसका एक पेस्ट सा तैयार कर लेना है। इस पेस्ट को आपने अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना है और आपने इसको 5 मिनट्स तक स्टे देना है, उसके बाद आपने वॉश कर लेना है। जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं वो इसको 15 मिनट्स तक स्टे देंगे, जो ड्राई स्किन वाले हैं वो इसको 2 मिनट्स तक स्टे देंगे और जो कॉम्बिनेशन स्किन वाले हैं वो इसको 5 मिनट्स तक अपनी स्किन के ऊपर स्टे देंगे। तो जी इस तरीके से आपने अप्लाई करना है, सर्कुलर मोशन में आपने इसको मसाज करना है और 1 से 2 मिनट तक मसाज करने के बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने से आपकी स्किन के बाद आप देखेंगी कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी और वॉश करने के बाद आपके जो पोर्स हैं वो भी आपको टाइट लगेंगे। आपने इसको अच्छे तरीके से किसी टॉवल के साथ ड्राई कर लेना है, आपने रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, आसानी के साथ आपने इसको ड्राई करना है और उसके बाद आपने इसके ऊपर कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करनी, ना ही कोई मॉइस्चराइज़र लगाना है, ना ही कोई आपने इसके ऊपर क्रीम अप्लाई करनी है। तो जी इस तरीके से आप समर्स में अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो प्रोवाइड कर सकते हैं और जितना भी आपको स्वेटिंग का प्रॉब्लम हो रहा था है वो इससे बहुत रिड्यूस हो जाएगा। तो जी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, स्किन के ऊपर ग्लो को मेंटेन करने के लिए, स्किन के ऊपर डलनेस डार्कनेस को रिमूव करने के लिए ये रेमेडी बहुत अच्छी रेमेडी है। इन चारों को आप मिक्स करें पाउडर्स को और इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल दें, छोटी सी बॉटल में डाल के आप इसको अपने बैग में भी कैरी कर सकती हैं, जहाँ पर भी आपको टाइम मिले और जहाँ पर भी आपको ओवर स्वेटिंग हो रही हो आप इस मिक्सचर को अपने हाथ पे लें, उसे आप हल्के से पानी के साथ मिक्स करें और अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करें और उसके बाद आप इसको हल्का सा मसाज करने के बाद आप इसको वॉश आउट कर लें। एक्सपेंसिव किस्म के जो फेस वॉशेज आ रहे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हेलरॉनिक एसिड और डिफरेंट किस्म के एसिड मौजूद हैं और उनसे आपको जो रिज़ल्ट मिलते हैं और उसके बाद आपको एक एक्सट्रीम स्वेटनेस होती है और एक्सट्रीम आपको ऑयलीनेस होती है, उससे बचने के लिए आप ये फेस वॉश घर में रेडी करें, इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करें और इसके अच्छे जो रिज़ल्ट हैं वो अवेल करें। ये हर तरह के लोग यूज़ कर सकते हैं, मेल भी यूज़ कर सकते हैं, फीमेल भी यूज़ कर सकती हैं। आपको अपनी स्किन को जज करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके नोज़ के इर्द गिर्द कितने ओपन पोर्स मौजूद हैं। अगर तो बहुत ज़्यादा इन लार्ज ओपन पोर्स हैं तो आपने इस मिक्सचर को दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है, यानी कि सुबह शाम इस्तेमाल करना है। और अगर आपके कम हैं, यानी कि आपके पोर्स की जो ओपन हुए हुए हैं वो अगर कम क्वान्टिटी में हैं तो आपने इसको सुबह सिर्फ 1 दफ़ा इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो आप इसको 2 से 3 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो हर नमाज से पहले भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट आते हैं, बहुत ज़बरदस्त इसका फ़ायदा होता है और स्किन पे बहुत ज़्यादा इससे ग्लो आ जाता है। मेकअप करने से पहले भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं और अपनी स्किन को ना सिर्फ हाइड्रेट कर सकती हैं बल्कि स्किन के ग्लो को मेनटेन कर सकती हैं। तो जी ये ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर की, पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमेशा की तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग और आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।